हेलो गाइस वेलकम टू बैक माय चैनल तो आज इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है दिवाली के ऊपर एक थीम केक क्योंकि कुछ दिन बाद ही दिवाली आ रहा है तो मैंने सोचा कि चलो यार मुझे भी एक थीम बनानी चाहिए तो आज मैंने बनाई है दिया थीम केक ये बहुत ज़्यादा इजी तो मैं नहीं बोलूँगी हाँ अगर आप कोशिश करोगे तो आप भी ज़रूर बना पाओगे ये थीम केक क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं लेकिन हाँ थोड़ा बहुत टाइम टेकिंग वाली काम है ये तो इस वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल भी मत करना क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपके साथ बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर किया तो चलो ज्यादा ना करके वीडियो को देख लेते हैं तो इस केक का फ्लेवर है बटर स्कॉच और इसका वेट था दो पाउंड और अगर आप चाहो ये कस्टमर को सेल करना तो आप वन थाउजेंड या फिर इलेवन हंड्रेड पर भी आप अच्छे से सेल कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपका एक अच्छी खासी प्रॉफिट भी हो जाएगा और यहाँ पर मैंने जो बेस बनाई है इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है मतलब शूट किया है आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूंगी कि अब बटर स्कॉच केक का स्पॉन्ज कैसे इजीली बना सकते हो घर पर और ये जो स्पॉन्ज है ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बहुत ही ज्यादा मॉइस्ट बनता है एकदम बेकरीज जैसी और दिया बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक चाकू की मदद से मार्क कर लिया था उसके बाद मैंने यहाँ पर कट कर रही हूँ और आप चाहो तो यहाँ पर वन पाउंड जो केक है उसकी मदद से भी आप दिया थिम केक बना सकते हो और कुछ भी केक मैं आज वेस्ट नहीं करूँगी आप देख सकते हो मैंने जैसे जैसे दिखाई है अगर आप वैसे वैसे ही बनाओगे ना तो आपका जो दिया थीम केक वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनेगी और आज मैंने यहाँ पर दो लेयर में कट किया है आप चाहे तो थ्री लेयर या फिर फोर लेयर भी आप कर सकते हो और अंदर का जो टेक्स्चर है वो आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा परफेक्टली बनी है तो यहाँ पर आपको स्क्वायर बेस ही लेना पड़ेगा नहीं तो जो दिया थीम केक है वो आप अच्छे से सेट से नहीं कर पाओगे और यहाँ पर मैंने दो पाउंड का केक बनाया है और बेस लिया है मैंने तीन पाउंड का आप चाहो तो दो पाउंड का भी ले सकते हो लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप दो पाउंड का केक बना रहे हो तो थ्री पाउंड का बेस लेना तो आपके लिए ईजी रहेगा ये थीम बनाने के लिए जब से मैं बेकिंग का काम शुरू किया है एकदम डे वन से मैं मालास का क्रास ही यूज करती हूँ लेकिन आज मैंने पहली बार कुछ डिफरेंट ब्रांड का क्रास यूज किया लेकिन मुझे एकदम पसंद नहीं आया जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल बटरस्कॉच जैसे मुझे नहीं लगा ठीक है तो आप चाहो तो यूज कर सकते हो और आज मैंने जो ब्रांड का क्रास यूज किया उस ब्रांड का नाम है मनामा लेकिन वो मुझे खास नहीं लगा अगर आपके पास मालस ब्रांड का क्रास है तो आप मालस का यूज़ कीजिएगा वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है अगर आप केक के साथ यूज़ करोगे ना तो केक का जो टेस्ट है वो दुगनी हो जाएगी बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है मालस का क्रास और हाँ मैं आपको एक बात बोल बोल दो कि ये कोई भी प्रमोशनल वाली वीडियो नहीं है मैं जो यूज करती हूँ मुझे जो अच्छा लगता है बस वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और इस स्पॉन्ज को अच्छे से सोक करने के लिए मैंने यहाँ पर क्रास के साथ पानी मिक्स करके स्पॉन्ज को अच्छे से सोक किया अगर आप चाहो तो शुगर सिरप या फिर नॉर्मल पानी की मदद से भी आप स्पॉन्ज को सोक कर सकते हो और नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लेयर पे दिया है क्रास और जो क्रास मैंने मनामा का लिया था वही क्रास मैंने यूज़ किया और यहाँ पर मैंने बटर स्कॉच क्रंच भी यूज़ किया है लेयरिंग के लिए आप चाहे तो दोनों में से कोई भी एक भी आप दे सकते हो तो, लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि आप ये दोनों ही ट्राई करना क्रास और जो क्रांच मिलता है दोनों तो आपका जो केक का टेस्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा एनहेंस हो जाएगी एकदम बिक्री जैसी टेस्ट लगेगी बहुत ही टेस्टी लगता है और आज मैंने यहाँ पर विप क्रीम के साथ बटर स्कॉच एसेंस यूज किया है मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी कि एसेंस दोनों फॉर्म में मिलता है कोई भी एसेंस एक वाटर बेस्ड और एक ऑयल बेस्ड लेकिन मैं यूज करती हूँ जनरली ऑयल बेस्ड प्रेफर करती हूँ क्योंकि ऑयल बेस्ड एसेंस का जो टेस्ट होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है एकदम मार्केट मतलब एक एकदम बिकरी जाए ठीक है और इससे क्या होता है कि ऑयल बेस्ड एसेंस एक दो ही काफ़ी होता है ठीक है और जो वाटर बेस्ड होता है वो आपको वन टीस्पून या फिर टू टीस्पून देना पड़ता है तब भी आपका जो का टेस्ट है ना वो उतनी अच्छी नहीं आती ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है अगर आपने अभी तक ऑयल बेस्ड एसेंस ट्राई नहीं किया तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार ट्राई करना ठीक है आप एकदम क्या बोलूँगी अब दीवाने हो जाओगे ऑल बेस्ट स्टेशन का ठीक है क्योंकि मैं यूज़ करती हूँ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है मैं खुद पहले टेस्ट करती हूँ उसके बाद मैं कस्टमर को देती हूँ और जो मेरा केक खाया है ना वो वो सेकेंड टाइम कहीं पर भी नहीं गया है ठीक है और एक बात बोलना चाहूँगी कि अगर आप हाउस वाइफ हो या फिर कुछ और काम करते हो और आपके पास दो चार घंटे का दिन में टाइम है तो उस टाइम को आप वेस्ट बिल्कुल भी मत कीजिएगा आप बेकिंग का काम शुरू कर सकते हो इससे क्या होगा कि अब घर बैठे एक अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हो और बेकिंग का काम शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस का कोई ज़रूरत नहीं होता है आप यूट्यूब से ही बहुत कुछ सीख सकते हो लाइक कैसे केक बेक कर सकते हैं कैसे डेकोरेशन कर सकते कैसे सेल कर सकते कितना प्रॉफिट होनी चाहिए सब कुछ के ऊपर आपको यूट्यूब में ही वीडियोज़ मिल जाएगी और केक का बॉर्डर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर स्टार नॉज लिया इसके ऊपर कुछ भी नंबर नंबर्स वगैरह लिखा हुआ नहीं था तो आपके पास जो भी स्टार नोसल है उन्हीं की मदद से आप कर सकते हो नहीं। पर मैंने फुशिया कलर लिया है आप चाहे तो पिंक कलर भी ले सकते हो और ये फुशिया कलर आपको रॉ मेटेल सबसे ही मिल जाएगा और एक चैनल मैंने क्रिएट किया है वहाँ पर मैं बेंगाली इसमें वीडियो पोस्ट करती हूँ और उस चैनल का नेम है चौको डिलाइट बांग्ला क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहा था कि मैम आप एक बेंगाली चैनल भी क्रिएट कीजिए ताकि हम लोगों के लिए आसानी रहे तो मैंने बहुत सोच सोच के फाइनली एक चैनल क्रिएट भी कर लिया है और सिक्स सेवन वीडियो ऑलरेडी मैंने पोस्ट कर दिया है उस चैनल पर अगर आप चाहो तो वो चैनल भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हो उसका लिंक मैंने तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल दूंगी और नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है स्मॉल साइज का रोज नोजल उसके मदद से मैंने यहाँ पर बहुत ही छोटा छोटा रोजेस भी बनाया है बहुत ज्यादा नहीं रोजेस बनाना है बस थ्री रोजेस ही मैं बनाऊंगी और यहाँ पर आप चाहो तो व्हीप क्रीम के साथ डिरेक्टली कलर मिक्स करके भी आप रोजेस बना सकते हो लेकिन मुझे ना स्प्रे कलर बहुत ही पसंद है तो इसीलिए मैंने यहाँ पर स्प्रे कलर ही यूज़ किया है क्योंकि स्प्रे कलर का जो कलर है ना वो बहुत ही ज़्यादा डार्क आता है जो टेस्ट है वो भी चेंज नहीं होता है अगर आपने अभी तक स्प्रे कलर यूज़ नहीं किया है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार ज़रूर ट्राई करना अपना मतलब दीवाने हो जाओगे स्प्रे कलर का जैसे कि मैं हुई हूँ और नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक छोटू सा पाइपिंग बैग के मदद से ब्लू कलर के साथ कुछ ऐसा यू टाइप का बना रही हूँ और यहाँ पर मैंने दोनों कलर यूज़ किया है आप चाहे तो एक कलर भी आप यूज़ कर सकते हो और यहाँ पर मैंने ऑरेंज कलर लिया है ब्लू कलर के साथ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कलर कम्बिनेशन अच्छा लग रहा था आपको कैसा लगा इस केक का कलर कम्बिनेशन ये मुझे कमेंट पर ज़रूर बताना और यहाँ पर मैंने कुछ रंगोली टाइप का बनाने की कोशिश किया है तो so साइड पर भी बहुत ज़्यादा स्पेस था इसीलिए मैंने यहाँ पर कुछ फ्लावर्स भी मैंने ऐड किया है आप चाहे तो कर सकते हो या फिर आप स्किप भी कर सकते हो इट्स टोटली अप टू यू और यहाँ पर मैंने कुछ डिफरेंट टाइप का फ्लावर्स भी बनाया है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्पेस था आप देख सकते हो तो फीका फीका लग रहा था इसीलिए मैंने सोचा कि चलो यार बहुत सारी फ्लावर्स भी बना लेती हूँ और फ्लावर्स बनाना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और ये पूरा के कम्प्लीट होने के बाद इसका वेट ढाई पाउंड का हो गया था तो अगर आप ये कस्टमर को देते हो बना के तो आप चाहो तो ढाई पाउंड का प्राइस भी ले सकते हो या फिर दो पाउंड का प्राइस भी आप ले सकते हो आपका लॉस नहीं होगा ये मैं आपको ज़रूर बोलूँगी अगर आप दो पाउंड का प्राइस भी लोगे ना तो आपका जो प्रॉफिट है वो कम बिल्कुल भी नहीं होगा और नेक्स्ट मैंने यहाँ पर न्यूट्रल जेल ले लिया है न्यूट्रल जेल के साथ मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर यूज किया है पता नहीं क्यों रेड कलर लग रहा है लेकिन मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर ही यूज किया है और ये जो न्यूट्रल जेल आज मैंने यूज किया है ये मेरा होममेड न्यूट्रल जेल है और इसका जो रेसिपी है मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की हुई है अगर आप चाहो तो उसका रेसिपी भी आप देख सकते हो तो फाइनली मेरा केक का डेकोरेशन बिल्कुल कम्प्लीट है आप देख सकते हो केक का लुक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग आया है आपको कैसा लगा ये केक का डेकोरेस ये मुझे कमेंट पे जरूर बताना और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाना और अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बिलाइकन को भी हिट कीजिए तो चलो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में अभी के लिए बाय बाय